बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमात दिवम, तारीख़ 21 अगस्त 2020, दिन जुमा, तदरीसी मकासद सुनहरी बातें, पढ़ने लिखने सिखाना, मुश्किल अल्फाज के मानी सिखाना। सबक नंबर 11, अकवाले ज़री। अकवाले ज़री का मानी है सुनहरी बातें। सबसे पहले अकवाले ज़री के ख़ास अल्फाज, सीरत, अमाल, दयानत, कुंजी, हुसन, गिला, शमा, मुसीबत। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी सूरत की नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और अमाल की अहमियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयानतदारी नेकी की कुंजी है और नेकी जन्नत की कुंजी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अमल का हुसन ये है कि आज का काम कल पर ना डालो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अंधेरे का गिला करने से एक शमा जलाना बेहतर है। चीनी फ़लसफ़ी ने भी एक अकवाले ज़री बताया है, मुसीबत इंसान को ऐसे निखारती है जैसे आग सोने को। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं इमला के अल्फाज करवाऊँगी। सीरत, हुसन, अमाल, गिला, दयानत। प्यारे बच्चों, आपने इस लाइन पर इमला के अल्फाज खुश खत करके लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आगे मुश्किल अल्फाज के मानी और जुमले लिखें। अल्फाज मानी, आगे आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मानी और यहाँ पर जुमले। शमा रोशनी, रोशनी यहाँ पर मानी में लिखना है। गिला शिकवा, यहाँ पर आपने शिकवा लिखना है और आगे उसका जुमला बनाना है। बेहतर आला, आला यहाँ पर आपने मानी लिखना है और जुमला बनाना है। अल्लाह, खाली जगह आप यहाँ पर पूर करें। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी सूरत की नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और अफ़ाल की अहमियत है। नेकी जन्नत की कुंजी है। आज का काम कल पर ना डालो। प्यारे बच्चों, अपनी पसंद का कोई कॉल यहाँ लिखें और ये सफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने वालदैन से दस्तखत करवाएं। अल्लाह हाफिज़।